हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बिल्कुल आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये 2 किलो गाजर लिए हैं। इसे हम छील लेंगे, छिल के छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। छोटे मोटे थोड़े बड़े भी हो जाए कोई बात नहीं, इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। और कट करने के बाद इसे हम धो के साफ करके, आप पहले भी धो सकते हैं, छील के भी आप धो के काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने काट के तब इसको साफ किया। काट के अच्छे से धो के फिर हम इसको कुकर में डालेंगे। ये मैंने गैस ऑन किया, कुकर रखा, उसमें गाजर डाला सारा, और इसमें 1 गिलास के करीब दूध डालेंगे। ज़्यादा दूध भी नहीं डालना, बस इतने दूध में ही हम इसे बना लेंगे, 1 गिलास दूध। ये बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, गाजर का हलवा बनाने का बहुत ही, और इसमें समय भी कम लगता है। कुकर बंद करके 1 विसिल और 1 मिनट सिम पे पकाएंगे। इसके बाद ताकि वो थोड़ा नरम हो जाए, इधर हम खोए की तैयारी कर लें। 1/2 किलो मैंने खोआ लिया है, इसे कद्दूकस कर लिया। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। ये मैंने बड़ी कढ़ाई ली क्योंकि मेरा 2 किलो गाजर था। इसमें मैंने घी डाला, घी भी देखिए ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, घी जमा हुआ है वो ठंड के कारण जम गया। मैंने ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब घी डाला। और ये देखिए गाजर सॉफ्ट हो गया है, कुकर में पक गया है। घी को गरम करेंगे, आँच हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं। और इसमें ये पके हुए गाजर डालेंगे घी में, थोड़ा इसे घी में भून लेंगे चलाते हुए। आँच को कभी कभी तेज कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा ये टाइम ये मीडियम ही रहेगा। और सारे गाजर को हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए धीरे धीरे करते करते सारा डाल दीजिए, एक ही बार नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। और इसे चलाते रहिएगा, और इसे दबाते हुए चलाना है ताकि ये स्मैश भी होता रहे। आप मैशर से भी स्मैश कर सकते हैं। मैंने दबा दबा के चलाया, देखिए सारा स्मैश हो गया। और जो वो दूध हमने डाला था ना गाजर उबालते समय कुकर में, वो बचा हुआ दूध सारा इसी में डाल देंगे। और अब दूध और गाजर एक साथ पकेगा। चलाते हुए दोस्तों दूध को एकदम एब्जॉर्ब करा देना है गाजर में। चलाते हुए इसे हम पकाएंगे और ये सूखता भी रहेगा, ये पक पक के सूख जाएगा, पूरा दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसे हम मीडियम आंच पे ही चलाते रहेंगे, बीच बीच में हम हल्का हल्का दबा लेंगे। अगर कोई छूट गया हो, मोटे मोटे गाजर रह गए हो, तो उसे ऐसे कट कर करके उसमें मिला लेंगे। आपको एकदम पता भी नहीं चलेगा कि ये कद्दूकस किया हुआ नहीं है। बनने के बाद, तैयार होने के बाद इसका लुक वही रहेगा। अब हम केसर को दूध में भिगो लेंगे। दूध में डाल के मैंने रख दिया, वो लास्ट में डालेंगे। अभी देखिए ये पूरा दूध एब्जॉर्ब हो गया, ये हल्का ड्राई जैसा हो गया, मॉइस्चर इसके धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, सूख रहा है ये। और ये अच्छा है, ये पूरी तरह गल गया है और लुक भी अच्छा है। हम अब इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची, कुटी हुई इलायची या पिसी हुई इलायची आप इसमें डाल दीजिए। इलायची से फ्लेवर अच्छा आता है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे कटे हुए। मैंने यहाँ ज़्यादा नहीं लिया है फ्रेंड्स, पर्सनली हमें इतना पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट, लेकिन हाँ खोआ मैं भर भर के डालती हूँ। लेकिन आप अपने अनुसार ही खोआ डालिएगा, जितनी है कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, मैंने इसमें 1/2 किलो खोआ लिया है, इसके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कटोरी चीनी डालेंगे इसमें, या आप 2 कप भी डाल सकते हैं।
और इसे चलाएंगे। चीनी डालने के बाद ये पानी छोड़ेगा, फिर से हलवा थोड़ा ढीला हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा मॉइस्चर जैसा हो गया। इसको हम सुखाएंगे, आँच मीडियम ही रहेगा। ये धीरे धीरे सूखेगा और इसका कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। चीनी डालने के बाद इसका कलर एकदम से रेड हो जाएगा, बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब इससे थोड़ा सा पकाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद थोड़ा सा जब ये पक जाए, करीब करीब लगभग 90% ये पक चुका है, थोड़ी सी और घी डाल देते हैं। ये घी जमा हुआ है, ठंड के कारण जम गया है। इसमें 1 चम्मच के करीब, इस टाइम जब ये करीब 90% पक चुका है, इस टाइम 1 चम्मच घी और डालेंगे और इसे चलाएंगे। चलाते हुए इसे धीरे धीरे पकाएंगे। पक तो ये लगभग पूरी तरह पक चुका है, बस इसका थोड़ा ये जो पानी जैसा मॉइस्चर जैसा हुआ उसे हमें सुखाना है। इसके बाद इसमें हम खोआ बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, मतलब गैस बंद करने के 2 मिनट पहले। अब इसमें खोआ डाल सकते हैं, देखिए ये 1/2 किलो खोआ है, धीरे धीरे करके कद्दूकस किया हुआ है, इसमें धीरे धीरे करके डालिए। और खोआ डालते जाएंगे और फिर इसे मिलाएंगे। खोए के कारण इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, खोआ आप ज़रूर डालिएगा। आप बिना खोए के भी बना सकते हैं, लेकिन खोए के कारण इसका स्वाद दुगना हो जाता है। इसे हम पकाएंगे डाल के, पकाना क्या है, बस मिला देंगे इसे, पका हुआ तो है ही वो। इसे मिलाएंगे और थोड़ा सा इसे और सुखाएंगे। इसको ऐसे मिलाते जाएंगे अच्छी तरह से। खोए को गाजर में करीब करीब ये तैयार है, बस 1 मिनट और इसे हम पका लेंगे। और ये केसर वाला जो दूध था इसी टाइम ऐड करेंगे, थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा पानी उसका सूख जाए, क्योंकि खोआ डालने के बाद ये थोड़ा ढीला होगा। ये थोड़ा सा देखिए अब सूख रहा है, इसे चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है, क्योंकि पानी पूरी तरह सूख चुका है। ये देखिए एकदम अब तैयार हो गया। अब इसमें केसर वाला दूध, थोड़ा सा केसर से फ्लेवर भी अच्छा आता है फ्रेंड, देखने में भी अच्छा लगता है, ये हमने डाला। अब ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा तैयार हो रहा है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कद्दूकस किया हुआ नहीं है, बनने के बाद ये पूरी तरह लुक बिल्कुल वही आएगा और खाने में भी वही। ये तैयार हो गया, हम सर्व करने के लिए कटोरी में निकालेंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल तैयार है गाजर का हलवा, खाने में इतना स्वादिष्ट, आप ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी तरीके से गाजर का हलवा बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए।